तो गाइस सीएस रैंक का न्यू सीजन 28 बस आने ही वाला है और मुझे पता है आप सब लोग ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो बट कभी जा नहीं पाते हो क्योंकि जब तक आप लोग मास्टर करते हुए 100 स्टार तक पहुंचते हो तब तक ग्रैंड मास्टर का स्कोर 200 स्टार पहुंच जाता है और जब आप लोग घिस घिस के 200 स्टार करते हो तब तक ग्रैंड मास्टर 300 या 400 स्टार पे चला जाता है। अब इसका सिंपल सा रीजन ये है कि भाई टॉप 10,000 बंदे ही ग्रैंड मास्टर तक जा पाते हैं और उसके बाद के बंदों का इलाइट मास्टर होता है। लेकिन आपको अगर ग्रैंड मास्टर करना है तो आपको टॉप 10,000 बंदों में आना होगा जो कि बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है। बस आपको इसमें थोड़ा टाइम देना होगा। गेम प्ले कैसे इंप्रूव करना है वो तो मैं आपको बता दूंगा और आज के इस वीडियो में आपको 10 टिप्स देने वाला हूं जिनको अगर आप लोग फॉलो करते हो तो शर्त लगा लो आपको ग्रैंड मास्टर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस टिप नंबर 1 है कि आपको डेली 4-5 घंटा गेम खेलना होगा अपनी रैंक को मेंटेन करने के लिए, बट पहले दिन आपको 10 से ज्यादा घंटे खेलना होगा ग्रैंड मास्टर लगाने के लिए। अगर आप लोग इतना खेल सकते हो तो ही ग्रैंड मास्टर जाने की सोचना, वरना गधा मजदूरी करके कोई फायदा नहीं। और जितने घंटे खेलोगे उसमें से आपको हर मैच जीतना होगा, नहीं तो 10 में से 8 या 9 मैच तो जरूर जीतने होंगे। अब हर मैच जीतना कैसे वो आपको सेकंड टिप में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ एक बहुत ही बड़े गिव अवे के बारे में। इसमें मैं आपको 100 रिडीम कोड्स देने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा वरना गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो जो भी मैं बताने वाला हूँ उसे पूरा देखना और फॉलो करना। आपको अगर रिडीम कोड क्लेम करना है तो उसके लिए आपको मेरे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में जुपी ऐप का लिंक मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके मेरे इंस्टा पे सेंड कर देना। मेरे इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इतने सारे आपके लिए रिडीम कोड बना के रखे हैं, लेकिन दूंगा उन्हीं को जो लोग ये चीज फॉलो करेंगे। तो जल्दी जाओ इसे डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेके मेरे इंस्टा पे भेज दो। इस ऐप के अंदर आप लोग लूडो खेल के बहुत सारे पैसे जीत सकते हो और जुपी एकदम सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है जहां आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है और विड्रॉल भी जल्दी से हो जाता है। यहां से आप लोग अपनी UPI या फिर गूगल पे किसी में भी पैसे निकाल सकते हो। तो देख क्या रहे हो भाई, जल्दी जाके डाउनलोड करो और स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टा पे फॉलो करके DM कर देना, तभी मैं आपको रिडीम कोड सेंड कर पाऊंगा। तो लिंक इसका कमेंट में है, जल्दी जाओ मिस मत करना। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 2 की ओर जो कि है आपको हर मैच विन करना होगा। इसके लिए आपको फर्स्ट वाले राउंड में खुला सांड की तरह घूमना बंद करना होगा। आपको फर्स्ट वाले राउंड में सबसे ज्यादा फोकस के साथ होल्ड करके रखना है और किसी भी तरह से पहला राउंड निकालना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड निकालने के बाद 90% चांसेस रहता है कि आप लोग सेकंड राउंड भी जरूर निकालोगे क्योंकि आपको अच्छी गन्स लेने के पैसे मिल जाते हैं। अब सेकंड राउंड जीतने के बाद थर्ड राउंड में आपके पास एडवांटेज रहता है मैक्स लेवल की वेस्ट और हेलमेट लेने का, जिसे लगा के आप लोग आसानी से थर्ड राउंड भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके बाद ही सबसे बड़ी गलती करते हो क्योंकि 3 राउंड जीतने के बाद आप लोग आ जाते हो ओवर कॉन्फिडेंस में और घुस जाते हो एस मारने के लिए और ऐसे में एनिमी आपकी ही मार लेते हैं और कम बैक कर लेते हैं। तो ये गलती भूल के ही मत करना, 3 राउंड जीतने के बाद हवाबाजी के चक्कर में घुस मत जाना बल्कि आराम से खेलना और एनिमी को पेलना। और गाइस टिप नंबर 3 है कि आपको पीसी प्लेयर अवॉइड करने हैं, मतलब पीसी प्लेयर्स के साथ नहीं खेलना है, क्योंकि जब भी आप लोग पीसी प्लेयर को साथ में खिलाते हो तो मैक्सिमम चांसेस रहते कि आपके सामने पैनल यूजर्स आते हैं जो कि हेड से नीचे बात नहीं करते और ऐसे में रैंक पुश करना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। एटलीस्ट मास्टर जाने तक तो आप लोग पीसी प्लेयर को मत ही खिलाना। बढ़ते अपने टिप नंबर 4 की ओर जो कि है प्ले विद पीसी प्लेयर। रुको रुको भाई, गाली मत देने लगना, अभी तो पीसी प्लेयर के साथ खेलने से मैंने मना किया था और अब खेलने को बोल रहा हूँ। तो भाई आपको इसका रीजन बताता हूँ, आपको मास्टर जाने तक पीसी प्लेयर के साथ नहीं खेलना क्योंकि आपके सामने मैक्सिमम पैनल यूजर्स आएंगे, लेकिन मास्टर रैंक जाने के बाद अगर आप लोग मोबाइल में खेलते हो तो आपका गेम ही स्टार्ट नहीं होता। ये मैं पहले दिन की बात कर रहा हूँ। अगर गेम स्टार्ट हो भी जाता है तो सामने हैकर आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं क्योंकि उस रैंक पे जाने के लिए बहुत से प्लेयर हैकर्स का यूज करते हैं। इसलिए आपको मास्टर जाने के बाद पीसी प्लेयर के साथ खेलना है क्योंकि एक बार को आप लोग स्ट्रेटेजी लगा के पैनल यूजर को निपटा भी लोगे, लेकिन हैकर्स तो आपको राउंड शुरू होते ही खत्म कर देंगे, कवर में भी आपको हेडशॉट पड़ेगा। उनसे लड़ने से अच्छा है पैनल यूजर से लड़ो। अब गाइस 5वीं टिप तो हमेशा याद रखनी है जो कि है टीम कोऑर्डिनेशन, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आप लोग रैंडम टीममेट के साथ रैंक पुश करने की सोच रहे हो तो फिर ग्रैंड मास्टर जाने का सपना त्याग दो, क्योंकि ऐसे में आपको मिनिमम 1 हफ्ता लगेगा उस रैंक तक पहुंचने में जिस रैंक पे आप लोग टीम कोऑर्डिनेशन के साथ एक दिन में पहुंच सकते हो, क्योंकि सब लोग माइक ऑन करके एक दूसरे को एनिमी की पोजीशन बता सकते हो और स्ट्रेटेजी बना के पूरी टीम को इजीली मार सकते हो। इसलिए अभी से अपनी टीम बनाओ और यहीं पे शुरू होती है टिप नंबर 6, चूज योर रोल्स वाइजली। जो भी आप टीम बनाओगे उन्हें उनके अकॉर्डिंग रोल्स मार दो। कौन रसर होगा, कौन सपोर्टर होगा, कौन नेडर होगा और कौन ऑलराउंडर होगा, ये चीज किसी प्लेयर के ऊपर थोपना नहीं बल्कि उन्हें उनकी मर्जी से रोल सिलेक्ट करने देना, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट अगर नेट फेंकने में है और आप लोग उसे स्नाइपर बना दोगे तो वो उस लेवल का खेल नहीं पाएगा जितना वो नेडर बन के खेल पाता। इसलिए सब लोग खुद से अपने रोल चूज करके पूरी प्रैक्टिस करना और एक साथ कुछ मैचेस में अपनी टीम को किसी बढ़िया टीम से वर्सेस करवाना, चाहे तो आप लोग कस्टम बना के ई-स्पोर्ट रूल के साथ भी खेल सकते हो। और ऐसे में जब तक आप लोग बढ़िया टीम को हरा ना दो तब तक प्रैक्टिस करो और न्यू सीएस रैंक सीजन आते ही मैदान में उतर जाओ। अब गाइस बात करते हैं टिप नंबर 7 की, नो ऑल द हिडन लोकेशन। मतलब आपको सीएस रैंक के अंदर सारी की सारी हिडन लोकेशन का पता होना चाहिए जिनका आप लोग वक्त आने पे यूज करके हार्ड सिचुएशन में भी जीत सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसी लोकेशन भी होती है जहाँ से आप लोग एनिमी को मार सकते हो बट उन्हें पता ही नहीं रहता आप लोग कहाँ से मार रहे हो। और इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है स्नाइपर प्लेयर के पास, अगर उसे सारी हिडन लोकेशन पता रहेगी तो वो हर राउंड में छुपके ही एक नॉक निकाल लेगा और उसे कोई रिवाइव करने आए तो आपका नेडर वहाँ पे नेड फेंकेगा, बाकी के
दो बंदे घुस के टीम को खत्म कर देंगे, इसलिए हिडन लोकेशन को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोग चाहते हो मैं सारे मैप्स की ऑल हिडन लोकेशन पे वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए इस वीडियो पे 10K लाइक्स कर देना। उसके बाद एक एक करके सारे मैप्स की A to Z सारी हिडन लोकेशन मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 8 की ओर, जो की है करेक्टर कॉम्बिनेशन। ये बात तो आपको पता ही होगी, बिना करेक्टर के गेम खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और जीतना तो नामुमकिन हो जाता है, इसलिए करेक्टर अच्छे से लेके जाना। और जिस करेक्टर का यूज करो उसकी सारी ट्रिक्स भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको ओरियन, तत्सुया, वुकोंग पसंद है, तो इन एक्टिव स्किल के साथ कौन सी पैसिव स्किल लगानी है वो भी आपको पता होना चाहिए। और कब इनकी स्किल को यूज करके आप लोग एनिमी को मार सकते हो या कंफ्यूज कर सकते हो या फिर इनकी स्किल से कोई ग्लिच कर सकते हो, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। और गाइस टिप नंबर 9 है कि आपको अपने टीममेट से लड़ना या झूठ बोलना नहीं है। कई बार आप लोग एनिमी को मारते हुए मर जाते हो और अपने टीममेट के ऊपर चिल्लाने लगते हो, जल्दी जाके मार दे बस एक गोली का है, और ऐसे में आपकी टीम खत्म हो जाती है और फिर बोलते हो कि तूने जाने में लेट कर दी, एनिमी ने हील कर दिया, ये सब बहाने बना के क्या फायदा जब पूरी टीम ही खत्म हो जाए। इसलिए ऐसी गलतियां मत करना, अगर एक्चुअल में एक गोली का बचा हो तभी बोलना, वरना उनके ऊपर चिल्लाने मत लगना। ऐसे में वो प्रेशर में आके घुस तो जाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, और बाई चांस कभी बंदा ठीक से नहीं खेल पा रहा तो उससे ज्यादा बहस मत करना, ऐसे में लड़ाई होती है और टीम टूट जाती है। अब फाइनली बात करते हैं टिप नंबर 10 की, जो कि सच में कोई टिप नहीं है बल्कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप सभी रैंक पुशर्स के लिए, कि भाई ये रैंक पुश के चक्कर में अपना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, गेम अपना माइंड फ्रेश करने के लिए खेलना ना कि डिप्रेस करने के लिए। और ज्यादातर रैंक पुशर्स ग्रैंड मास्टर प्लेयर मैंने देखे हैं जो गेम को लेकर इतना सीरियस होते कि हारने पर गुस्से से फटने लगते हैं, अपने टीममेट को गरियाने लगते हैं और चिल्ला चिल्ला के पगला जाते हैं, जिसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि टॉप पे तो आप लोग वैसे भी नहीं जा सकते, वहाँ हैकर और पैनल यूजर्स ही पड़े रहते हैं। इसलिए मैंने भी रैंक पुश करना छोड़ दिया, क्योंकि उस रेस में दौड़ना ही क्यों है जहाँ लोग उड़ रहे हो और एंड में आप लोग अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर देते हो एंड रेस उड़ने वाला जीत जाता है। फिर भी मैं पहले दिन पूरा ट्राई करता हूँ ग्रैंड मास्टर जाने का और चला भी जाता हूँ, एंड आप लोग भी ये सारी टिप्स को फॉलो करके ग्रैंड मास्टर जा सकते हो, बट टॉप पे जाने की मत सोचना क्योंकि वहाँ बस हैकर्स ही बैठे हैं, आप चाहे कितने ही प्रो क्यों ना हो हैकर को तो नहीं हरा पाओगे ना। इसलिए जहाँ तक आपका माइंड कूल रहे वहीं तक खेलो, जब गुस्सा और स्ट्रेस आने लगे वहाँ गेम बंद कर दो, आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। बाकी मेरी तरफ से आप लोग 24 घंटे भी खेलते रहोगे मेरा क्या जाता है, ज्यादा ज्ञान मैं देना नहीं चाहता, आप लोग खुद समझदार हो, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आप लोग इस बार ग्रैंड मास्टर पुश करोगे या नहीं, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी हिडन लोकेशन आपको बता पाऊंगा। साथ में बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देख सको।